आज हम देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर 10A, जिसमें हम देख रहे हैं डिफरेंशिएशन, और इसमें हम देखेंगे आरएस अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन, जिसमें हम चैप्टर 10A का क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 से कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने सब प्रीवियस क्वेश्चंस इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करें, आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखें, जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को जब पूरा क्लियर कर लें यानी पूरा उसको बना लें, तब इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तो काफ़ी आसानी तरीके से ये क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएगा। और यदि आप डायरेक्ट क्वेश्चंस इस वीडियो को ही देखेंगे तो आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, इसलिए आप प्रीवियस क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें हम देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन जो कि चैप्टर 10A का होगा। बोला गया डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन के लिए हम टोटल चार फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, और चारों फॉर्मूला हम पहले लिख देते हैं उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो फॉर्मूला होगा वो हमारा हो जाएगा d बाई डी एक्स, एक्स के पावर n, n आगे आ जाएगा एक्स के पावर n माइनस वन। सेकेंड फार्मूला होगा d बाई डी एक्स के एक्स, तो इसमें क्या हो जाता है कांस्टेंट बाहर हो जाता है। और थर्ड फार्मूला हमारा होगा d बाई डी एक्स के, तो इस कंडीशन में क्या होता है जीरो हो जाता है। और नेक्स्ट फार्मूला होगा जो फोर नंबर फार्मूला जो होगा वो होगा d बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। और एक फार्मूला का यूज होगा यानी पांच फार्मूला होगा, इसकी तो जरूरत फिलहाल नहीं होगी। फाइव नंबर फार्मूला आप देख लेंगे, ये है d बाई डी एक्स यू प्लस भी, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं पहले भी को बाहर करेंगे और d का u का डिफ्रेंसिएशन करेंगे यानी d बाई डी एक्स यू माइनस, फिर u को बाहर करेंगे भी के साथ डिफरेंशिएशन बाई भी स्क्वायर। तो इन पांचों फार्मूला का यूज हम इस क्वेश्चंस में करने वाले हैं। अब फार्मूला लिख दिए हैं, क्वेश्चन आपके पास है, अब क्या करेंगे कि पहला जो स्टेप होता है हमारा, पहला स्टेप होता है कि जो क्वेश्चन है उसको लेट कर ले, लेट वाई इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लेट कर लिए y। अब क्या करेंगे, अब लैंग्वेज लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट क्या मिलेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स डी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स कर दिए। अब यहाँ के बाद चेन रूल अप्लाई होगा यानी डी वाई बाई डी एक्स डी पूरे का डिफरेंशिएशन यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, तो रूट को कैंसिल करके यानी बिना रूट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, एक बार तो पूरा का डिफरेंशिएशन कर दिए और एक बार रूट को कैंसिल करके केवल इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यानी क्या हो जाएगा डी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा डी एक्स। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट होगा डी वाई बाई डी एक्स, यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पर रूट है और आप यहाँ पर फोर नंबर फॉर्मूला देखेंगे डी बाई डी एक्स अंदर रूट एक्स रहेगा तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स यानी x के जगह पे क्या वैल्यू पुट होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम तोड़ दिए। अब यहां पे आप ध्यान देंगे डी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है
यानी दोनों क्या है बटा में है। इसको यदि हम थोड़ी देर के लिए इमेज करें कि ये यू है और ये भी है, तो यू बाई भी के फॉर्म में है। और ये आप फाइव नंबर फॉर्मूला दे सकते हैं, डी बाई डी एक्स यू बाई भी हो तो भी को बाहर करेंगे, यानी भी के तौर पे यहाँ पे क्या है, तो भी के जगह पे यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको बाहर कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाहर। डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे u का, यानी u के जगह पे क्या है आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर माइनस का सिंबल देंगे, तो माइनस का सिंबल यहाँ पे दे लेते हैं क्योंकि जगह की कमी है। फिर अब क्या करेंगे, u को बाहर करेंगे, यानी अभी जिसका डिफ्रेंसिएशन लिए हैं उसको बाहर कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाहर, डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, भी का डिफरेंशिएशन, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बाई भी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां तक हमारा मैथ पहुंच चुका है, एक बार फिर से हम समझाते हैं आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन था अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चंस के लिए टोटल पांच फॉर्मूला लिखे हुए हैं, इन पांचों फॉर्मूला का यूज इस क्वेश्चंस में होगा। फर्स्ट फॉर्मूला है d बाई डी एक्स एक्स के पावर n इक्वल टू n एक्स के पावर n माइनस वन। सेकेंड फॉर्मूला है d बाई डी एक्स के एक्स का क्या हो जाएगा k। थर्ड फॉर्मूला है d बाई डी एक्स के का जीरो। फोर्थ फॉर्मूला है d बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स रहेगा तो वन बाई टू रूट एक्स। और फिफ्थ फॉर्मूला है d बाई डी एक्स यू बाई भी रहेगा, तब भी को पहले बाहर करेंगे u का डिफरेंशिएशन माइनस के साथ, u को फिर बाहर करेंगे भी के साथ डिफरेंशिएशन बाई भी स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला स्टेप क्या होता है, लेट y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी y लेट करना। फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया। अब यहाँ के बाद चेन रूल अप्लाई करते हैं, यानी डी वाई बाई डी एक्स डी एक बार पूरे का ले लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ए के जगह पे क्या होगा रूट कैंसिल करके, यानी रूट के बाहर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर ये तो हो गया, अब ये रूट के साथ हम लिए थे यानी पूरे का लिए थे, अब एक बार केवल अंदर वाला रूट के अंदर वाला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप ध्यान देंगे ये तो रूट में है और रूट वाला फॉर्मूला हमारे पास चार नंबर फॉर्मूला है, वन बाई टू रूट एक्स हो जाता है। एक्स जब क्या होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी डी वाई बाई डी एक्स वन बाई टू अंदर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले पे एक्स के जगह वैल्यू चेंज कर दिए हैं जो था यहां पे। अब यहां पे देखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसको हम कुछ देर के लिए समझे कि यू है और ये भी है, तो यू बाई भी के फॉर्म में है और यहां पे फॉर्मूला नंबर फाइव है, और फॉर्मूला नंबर फाइव में बोला जा रहा है पहले भी को बाहर कीजिए, तो पहले भी को बाहर किए यानी भी के जगह हमारे पास क्या है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिख दिए, और डिफ्रेंशिएशन यू का यानी डी बाई डी एक्स यू के जगह क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिए, फिर माइनस सिंबल के साथ तो माइनस। फिर अब भी को बाहर कीजिए यानी भी के जगह यू को बाहर कीजिए, यानी यू के जगह पे क्या है हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं यू को बाहर कीजिए, तो यू के जगह पे क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स भी का डिफरेंशिएशन यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई भी स्क्वायर, यानी भी स्क्वायर के जगह पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पूरा का स्क्वायर। तो यहाँ तक हो गया है, अब आप इसको एक बार नोट डाउन करें। अब यहाँ तक हम कर चुके हैं, तो यहाँ के बाद आप ध्यान से देखेंगे, अब इसको हम क्या ले सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इसको यहाँ पे हम अलग अलग तो लिख सकते हैं ना, वन बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अलग अलग रूट कर दिए। फिर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इन दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स
इसको भी अलग अलग कर लेते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर स्क्वायर। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये तो ऊपर हो जाएगा यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर जो है ये कांस्टेंट है चूंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये ए स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट, तो इसका जीरो माइनस एन के फॉर्मूला पे यदि आप देखें तो ये तो आगे हो जाएगा टू, यानी इसको क्या ले सकते हैं, टू एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है यानी जीरो और एक्स स्क्वायर है तो टू एक्स बाई यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसके बाद का सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि 2x यहाँ पर भी है, 2x यहाँ पर भी है मल्टीप्लाई में, तो 2x कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये माइनस वन इंटू माइनस वन, चूँकि 2x तो यहाँ से ले लिए बाहर, और यहाँ पे एक ब्रैकेट दे देते हैं ये माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक हो गया है, एक बार हम फिर से समझा देते हैं कि ये क्या है, यहाँ तक प्रीवियस स्लाइड में हमारा रिजल्ट आ चुका था, तो डी वाई बाई डी एक्स वन बाई टू दोनों को अलग अलग कर लिए, यानी अंदर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई अंदर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जैसा था वैसा, इसका अलग डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर फिर माइनस तो माइनस, और इसका अलग डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर अलग, फिर यहाँ पे माइनस था तो माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा था वैसा, फिर इन दोनों को भी अलग अलग, यानी डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर फिर प्लस है तो प्लस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि ये तो ऊपर चला जाएगा, यानी अंदर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, टू अंदर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर जो है आपका कांस्टेंट होगा यानी जीरो, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू आगे यानी टू एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा यानी जीरो, और ये एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, टू एक्स। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे आप ध्यान देंगे डी वाई बाई डी एक्स अंदर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू अंदर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों पार्ट में 2x और 2x कॉमन है तो 2x को बाहर ले लिए, यहाँ पे क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वन, ये माइनस माइनस वन, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, इंटू वन बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इतने पार्ट को आप एक बार नोट डाउन कर लें। अब यहाँ तक हमारा रिजल्ट पहुँच चुका है, अब यहाँ से आप ध्यान देंगे कि क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा टू एक्स, ये हो जाएगा माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स अंदर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू अंदर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में है ये प्लस में कैंसिल, यानी यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पे हमारा बच जाएगा 2x इंटू 2x जो है ये, और माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस टू ए स्क्वायर
बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इसको हम क्या करेंगे, इसको करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये, इसको तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर वन बाई टू, चूँकि रूट में है और रूट जब भी हम कैंसिल करते हैं तो पावर में वन बाई टू हो जाता है, ये टू टू हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट इसको भी हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के पावर वन बाई टू इन टू, ये क्या हो जाएगा टू ए स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसको हम क्या सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये जब नीचे आ जाएगा तो इसको हम ले सकते हैं वन बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर माइनस वन बाई टू एंड ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के पावर वन बाई टू इंटू माइनस टू ए स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर टू। अब हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों मिल रहा है यानी मल्टीप्लाई में दोनों का पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, तब यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू ए स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वन बाई टू और इन दोनों के पावर को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू प्लस टू, तब ये क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू ए स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के पावर वन बाई टू और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू टू जा फोर और फोर में से बन जाएगा थ्री बाई टू, तो यही हमारा रिजल्ट होगा। अब जाके ये हमारा मैथ फिनिश हुआ, तो एक बार फिर से ध्यान देंगे कि ये क्या है, यहाँ तक प्रीवियस स्लाइड में हम पहुँचे थे, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू अंदर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू अंदर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा था वैसा लिख दिए, यहाँ पे टू एक्स कॉमन लिए हैं तो अब ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, नीचे जो है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर जैसा वैसा, अब एक्स स्क्वायर माइनस में है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में है दोनों कैंसिल। नेक्स्ट डी वाई बाई डी एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x और ऊपर क्या बच जाएगा माइनस ए टू ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 2 पहले कैंसिल हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब ये रूट खत्म कर रहे हैं जब अंदर रूट m रहे तो इसको हम क्या सकते हैं m के पावर 1 बाई टू लिख सकते हैं यानी यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1 बाई टू और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 1 बाई टू, यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 2a स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा माइनस टू ए स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। नेक्स्ट डी वाई बाई डी एक्स ये क्या हो जाएगा ये प्लस में है ऊपर जब नीचे जाएगा तो माइनस में हो जाता है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसका यूज किया था, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू, ये जैसा है वैसा लिख दिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर वन बाई टू और फिर इसको जैसा है वैसा लिख दिए। अब इसको वन से मल्टीप्लाई कराएंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नीचे आप ध्यान देंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पहले इसको लिख दिया वन बाई टू और ये दोनों के पावर को ऐड कर लिए क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है ऐड होता है यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू प्लस टू बाई वन। डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू ए स्क्वायर एक्स बाई ये जैसा वैसा लिख दिए और इसके पावर को ऐड किए तो क्या करेंगे यहाँ पे बटा पर का जोड़ यानी 2 इसका एलसीएम हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 में से 1 जाएगा 3 यानी 3 बाई 2, तो इस तरीके से हमारा ये रिजल्ट हुआ। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।